सहजानंद विद्यालय बापा सीताराम चौक नवा नरोड़ा अहमदाबाद। विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे के लेक्चर में विषय हिंदी धोरण 8 में हमने इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में देखा था। अब आज हम एक व्याकरण का टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है मुहावरे। मुहावरे भाषा को सुंदर और रोचक बनाते हैं। मुहावरे जो है वो भाषा को सुंदर और रोचक बनाते हैं। इसके प्रयोग से वक्ता की भाषा प्रभावशाली और असरकारक बनती है। जो मुहावरे का प्रयोग करते हैं उस वक्ता की भाषा प्रभावशाली और असरकारक बनती है, इसलिए लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में मुहावरों का प्रयोग करते हैं हम। जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को सूचित करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरा किसे कहते हैं? तो जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ को सूचित करता है तो हम उसे मुहावरा कहेंगे। यहाँ पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त मुहावरों के अर्थ और वाक्य में प्रयोग करके दिए हैं, इसका ध्यानपूर्वक अभ्यास हमें करना है। तो पहले से हम शुरू करेंगे। पहला नंबर है दिल कचोटना, उसका अर्थ होगा कुछ न पाने पर दुख होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। तो ईद के दिन पास में पैसे न होने पर अमीना का दिल कचोट रहा है। दूसरा बेड़ा पार लगाना, तो इसका अर्थ होगा संकट से बचाना और दूसरा अर्थ होगा किनारे ले जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मुश्किल समय दौरान भगवान ही हमारा बेड़ा पार लगाएगा। तीसरा गले मिलना, यानी कि उसका अर्थ होगा प्रेम से भेंटना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कई सालों के बिछड़े माँ बेटा एक दूसरे के गले मिले। चौथा दिल बैठ जाना, उसका अर्थ होगा हताश या निराश होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे चिमटे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पांचवा बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भले आदमी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। छठा सुरलोक सिधारना, यानी कि मर जाना मृत्यु हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हामिद की नानी कई साल पहले सुरलोक सिधार गई थी। इसकी जगह पे हम हामिद के पिताजी कई साल पहले सुरलोक सिधार गए थे, ऐसे भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सातवां छाती पीट लेना, यानी कि दुख प्रकट करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो छाती पीट लेने से हमें कुछ फायदा नहीं होता। आठवां परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, यानी कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। वाक्य में प्रयोग अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स ने परंपराओं की बेड़ी तोड़ डाली। नौ अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना, इसका अर्थ होगा व्यक्तित्व निखारना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सुनीता ने अपने अस्तित्व को साकार रूप दे दिया।
दस, यादें ताजा करना होना, यानी कि बातें याद आना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जब मैं अपने गांव गया तो मुझे बचपन की यादें ताजा होने लगी। 11, एक सूत्र में पिरोना, यानी कि सबको साथ में रखना। वाक्य में प्रयोग, गांधी जी सबको एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। 12, खतरों से खेलना, यानी कि भयावह चीजों से खेपाला पड़ना। वाक्य में प्रयोग, अवकाश में उड़ान करना खतरों से खेलने का काम है। 13, सर ऊंचा होना, यानी कि गर्व होना। वाक्य में प्रयोग, सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। 14, बात पर कान नहीं धरना, यानी कि अनसुना करना। वाक्य में प्रयोग, बच्चे ने माँ की बात पर कान नहीं धरा। 15 है, धोखा खा जाना, यानी कि सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। वाक्य में प्रयोग, लोमड़ी की बात से कौवा धोखा खा गया। 16, मनोरथ पूर्ण होना, मन की इच्छा पूरी होना। वाक्य में प्रयोग, यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो मनोरथ पूर्ण होगे। अब कुछ अन्य मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग का पठन हमें करना है। पहला है, दबे पैर, यानी कि चुपचाप धीरे से। वाक्य में प्रयोग, शिक्षक का क्रोधित चेहरा देखकर विद्यार्थी दबे पैर चला गया। 2, तरस आना, यानी कि दया आना। वाक्य में प्रयोग, अनाथ बच्चे को देखकर मुझे उस पर तरस आया। 3, हाथ फैलाना, यानी कि भीख मांगना। वाक्य में प्रयोग, भिखारी ने सेठ जी के सामने हाथ फैलाया। 4, मातम छा जाना, यानी कि वातावरण शोकपूर्ण हो जाना। वाक्य है, रमेश मेहता के अवसान पर सीने सृष्टि में मातम छा गया। 5, चूर चूर हो जाना, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। वाक्य में प्रयोग, लड्डू हाथ से गिरते ही चूर चूर हो गया। या हम दूसरा वाक्य भी यहाँ बना सकते हैं कि खिलौना हाथ में से गिरते ही चूर चूर हो गया। 6, फूला न समाना, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य है, दौड़ की स्पर्धा में पहला नंबर आने पर मैं फूला न समाया। 7, आँखों आँखों में कहना, यानी कि इशारे से कहना। वाक्य है, उसने मेरी ओर देखा और आँखों आँखों में ही कुछ कह दिया। 8, कोना कोना छानना, यानी कि हर जगह ढूंढना। वाक्य है, मेरी पुस्तक खोजने के लिए मैंने घर का कोना कोना छान लिया। 9, चैन की सांस लेना, यानी कि चिंता दूर होना। वाक्य है, परीक्षा पूरी होने पर छात्रों ने चैन की सांस ली। 10, खून गर्म होना, यानी कि क्रोधित होना। वाक्य है, पुलिस के अशिष्ट व्यवहार को देखकर मेरा खून गर्म हो गया। 11, कान लगाना, यानी कि ध्यान से सुनना। वाक्य है, सभी लड़के गुरुजी की बात कान लगाकर सुनने लगे। 12 है, बाल बांका न होना, यानी कि जरा भी नुकसान न होना। वाक्य है, डाकुओं ने गोलियां चलाई पर गांव में किसी का बाल बांका न हुआ। 13, चकमा देना, यानी कि धोखे में डालना। वाक्य है, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। 14,
दावा बोलना यानी कि हमला करना। वाक्य है, आतंकवादियों ने सैनिक शिविर पर अचानक दावा बोल दिया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि खिलौनों की दुकानों पर बच्चों ने दावा बोल दिया। 15, उंगली पकड़ना, तो इसका अर्थ होगा सहारा लेना। वाक्य बनेगा, बेटा बाप की उंगली पकड़कर ही आगे बढ़ता है। 16, जी चुराना यानी कि काम न करना। इसका वाक्य बनेगा, कई स्त्रियों को काम से जी चुराने की बुरी आदत होती है। 17वां है, मजा चखाना यानी कि पिटाई करना। वाक्य है, यहाँ आओ तुम्हें झूठ बोलने का मजा चखाता हूँ। 18वां है, जीवन में उतारना यानी कि व्यवहार में लाना, आचरण में लाना। इसका वाक्य होगा, हमें साधु संतों के गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। 19, पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। इसका वाक्य होगा, स्पर्धा में प्रथम आने पर प्रधानाचार्य ने श्रेय की पीठ थपथपाई। यहाँ पे श्रेय की जगह पे आप लोग अपना भी नाम या अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। 20, आवाज बुलंद करना यानी कि जोरदार समर्थन करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए आवाज बुलंद की थी। विद्यार्थी मित्रों, यह मुहावरे का टॉपिक हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।